गाइज अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पर जितने भी ड्रोन्स देखे होंगे उन सभी में हमने यूज किया था DJI का फ्लाइट कंट्रोलर। आज हम जो ड्रोन बनाने वाले हैं उसमें हम यूज करने वाले हैं क्रॉस फ्लाइट फ्लाइट कंट्रोलर को। इसकी खास बात यह है कि हम ड्रोन को ऑटोमेटिक बना सकते हैं मैपिंग के थ्रू। इस फ्लाइट कंट्रोलर में बैटरी फेल सेफ मिलता है, जैसे ही हमारी ड्रोन की बैटरी डिस्चार्ज होगी ये RTL में चला जाएगा और ड्रोन जहाँ से हमने फ्लाई किया था वहीं पे वापस आ जाएगा। और इसमें ऑटो लैंडिंग का ऑप्शन भी मिलता है, जैसे ही हम एक स्विच को प्रेस करते हैं ड्रोन ऑटोमेटिकली लैंड हो जाता है। और ये ड्रोन जैसे ही ट्रांसमीटर की रेंज से बाहर होगा तो इसमें RTL हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली जहाँ से हमने फ्लाई किया वहीं पे वापस आ जाएगा। तो चलिए इस ड्रोन को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना तभी आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि इस ड्रोन को कैसे बनाते हैं। ड्रोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इन सभी पार्ट्स को हम यूज़ करके ड्रोन को बनाने वाले हैं। तो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं S500 फ्रेम का। इसमें अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है और ये वाइब्रेशन कम करता है। फ्लाइट कंट्रोलर के साथ हमें मिलता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जिसमें हमें ESC के वायर को सोल्डर कर लेना है। सोल्डरिंग अच्छी होनी चाहिए और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रख के सोल्डरिंग करनी है। इस ड्रोन में हम यूज़ करने वाले रेडी टू स्काई की 30 एम्पियर की ESC। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे को मैसेज करके पूछ सकते हो। गाइस वैसे तो फ्रेम में भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दिया हुआ रहता है, बट हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें फ्लाइट कंट्रोल को भी पावर देनी पड़ती है। आर्म में यहाँ पर मोटर ऑलरेडी माउंट है, तो यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज का ध्यान रखना है। फ्रेम असेंबल हो जाने के बाद हमें एक वायर लेना है जिस पे लिखा होगा पावर वायर। ये फ्लाइट कंट्रोलर के साथ मिलता है। इसका एक एंड हमें लगाना है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में और दूसरा एंड को लगाना है फ्लाइट कंट्रोलर में। इससे फ्लाइट कंट्रोलर को पावर मिलता है। गाइज यहाँ पर जो XT60 लगा हुआ है वहाँ तक बैटरी के वायर्स नहीं पहुँच रहे थे, तो हमने उस कनेक्टर को काट के फ्रेम में लगा दिया। फ्रेम में इंटीग्रेटेड PCB होता है, तो वहाँ पर हमने सोल्डर कर दिया और उसको पावर सप्लाई दे दी। गाइस अब हमें फ्रेम में टॉप प्लेट लगा देनी है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो टॉप प्लेट है वो टूटी हुई है, तो यहाँ पर हम एक एल्यूमिनियम की प्लेट लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। अब हमें फ्लाइट कंट्रोलर को इंस्टॉल कर देना है, तो यहाँ पर हम इसको टॉप प्लेट पर इंस्टॉल करेंगे ताकि कोई चीज़ें कनेक्ट करने में हमें कोई भी दिक्कत ना हो। और इस फ्लाइट कंट्रोलर में एक एरो दिया हुआ होता है, तो उसे हमें ड्रोन की फ्रंट डायरेक्शन में ही रखना है। गाइस आपको ड्रोन बनाने में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, अगर कोई मिस्टेक कर दी तो आपका जो ड्रोन है वो क्रैश हो जाएगा और उसके पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं। फ्लाइट कंट्रोलर को लगा देने के बाद हमें इस फ्लाइट कंट्रोलर में पावर सप्लाई का वायर लगा देना है, जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आ रहा है। इसके साथ ही हमें एक वायर मिलता है जिसमें RC in एंड बजर लिखा होगा। उस वायर का एक एंड हमें फ्लाइट कंट्रोलर के साथ RC in में लगाना है और दूसरा एंड रिसीवर के चैनल नंबर 1 यानी कि PPM में लगाना है, क्योंकि ये फ्लाइट कंट्रोलर PPM आउटपुट सपोर्ट करता है। अब हमें ESC के सिग्नल वायर को फ्लाइट कंट्रोलर से कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सिग्नल वायर और नेगेटिव वायर का ध्यान रखना है और इन वायर्स को आप इस डायग्राम को देखकर कनेक्ट कर सकते हो। अब हमें ESC के 3-phase वायर को मोटर के 3-phase वायर में लगा देना है। यहाँ पर अगर मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी हो तो किसी भी दो वायर को आपस में इंटरचेंज कर देना, उससे मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। गाइस यहाँ पर हमारा ड्रोन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को इसकी प्रोग्रामिंग की वीडियो देखनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। हम जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए प्रोग्रामिंग की वीडियो भी लेके आ जाएंगे और आने वाली वीडियो में हम इसमें GPS भी इंस्टॉल करेंगे, तो आप इसके फ्लाई टेस्ट की वीडियो देख सकते हैं कि ये कितना स्टेबल फ्लाई हो रहा है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।